नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 9 सितंबर 2021 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपको दोस्तों बता दें, एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। जल्दी देखें दोस्तों सेंटर कहाँ पर गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले आज की बड़ी अपडेट आपके सामने रखेंगे। बीटीसी व डीएलएड की परीक्षा 12 तारीख से शुरू हो रही है। अभ्यर्थी आज से डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र। एक ही पाली में होगी परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। और देखिए दोस्तों, एक ही पाली का मतलब आप लोग कंफ्यूजन में मत आइएगा, क्योंकि हमारी ऑफिशियल डेट शीट प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर की जारी हो चुकी है। और यहाँ पर पेपर का समय भी लिखा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारा भैया वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का जो पेपर होगा वो 10 से 12 बजे होगा। गणित का पेपर देखिए 12 बजे से लेके 1 बजे तक टाइमिंग दी गई है। अभी दोस्तों जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो उसमें भी पेपर की टाइमिंग लिखी होगी, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, दूसरे न्यूज़पेपर के माध्यम से भी यही अपडेट है कि डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं 12 सितंबर से होंगी। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने दोस्तों रखने वाले हैं। और देखिए, अगर आपके घर में भैया भाई बहन दोस्त यार कोई भी है जो बीएड कर रहा है या करना चाह रहा है इस बार, तो बीएड प्रवेश काउंसिलिंग दोस्तों 17 सितंबर से दिशा निर्देश जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बीएड को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सामने। अब देखिए दोस्तों, बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजों की अवैध वसूली। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग एडमिट कार्ड लेने जाए तो भैया वहां पर आपको पैसा नहीं देना है, ठीक है, एडमिट कार्ड फ्री में ही दोस्तों मिलता है। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले इसमें भी पैसा कमाने लगते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और देखिए, अगर आपका कुछ बकाया पैसा है वो तो मांग सकते हैं, लेकिन ये कहें कि भैया एडमिट कार्ड का चलो 10 रुपए दे दो, फोटोकॉपी का ये सब दे दो, तो ये गलत बात है। कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले दोस्तों बहुत ही ज्यादा हद से गिरे होते हैं, जिनको भैया 10 10 रुपए 2 2 रुपए मांगने लग जाते हैं बच्चों से। मतलब बिल्कुल परेशान करके रख दिया है बच्चों को। 41,000 जब फीस देते हैं तो किस बात की दी जाती है, कुछ पता ही नहीं प्राइवेट कॉलेज में। अब देखिए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में परीक्षा पास करने का आसान तरीका क्या हो सकता है। और देखिए, पेपर आउट होने से बच्चे परेशान। पिछली बार दोस्तों हमारा जो गणित का पेपर आया था बहुत ही आसान वाला पहले, फिर दोस्तों वो आउट हो जाता है। उसके बाद फिर दूसरा जो पेपर हुआ था आपका गणित का, जिसमें द्वितीय सेमेस्टर में सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए थे, तो गाइस वो पेपर कठिन बन गया था। कठिन का मतलब ये था दोस्तों, सवाल ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कठिन हो, ये था दोस्तों कि पेपर बहुत लेंदी हो गया। जैसे मान लेते कोई क्वेश्चन का भैया आंसर आपका 2 लाइन में आ जाता है, तो फिर वही हुआ कि एक एक क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर एक एक पेज में आने लगा, ठीक है। और जिन बच्चों की प्रैक्टिस कम होती है उनके लिए दोस्तों ये समय बहुत ही कम लगने लगा, तो ये मामला था। और देखिए, आपका एक सवाल आ रहा था कि पेपर आसान आएगा या कठिन। तो गाइस आपको बता दें, इस समय डीएलएड प्रशिक्षु के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि भैया पेपर आसान आने वाला है, कठिन आने वाला, कैसा आएगा। तो गाइस आपको बता दें, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी होगी उन बच्चों को पेपर आसान लगेगा, और जो बच्चे बिना पढ़े पेपर देने चले जाएंगे, भले ही पेपर कितना आसान है लेकिन उनको वो पेपर कठिन लगेगा। तो पेपर आसान या कठिन ये निर्भर आप पर करेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तैयारी अच्छी है तो पेपर आसान लगेगा, तैयारी अच्छी नहीं है तो पेपर आपको कठिन लगेगा। उसके बाद दोस्त एक और अपडेट आपके सामने रखेंगे कि कहाँ से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ और बातें। जी हाँ दोस्तों, तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा को लेकर क्या अपडेट है। तो गाइस देखिए, एक विशेष सूचना आई थी कि जो हमारी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा है वो 21, 22 और 23 सितंबर को हो सकती है। लेकिन दोस्तों जो हमारी ऑफिशियल नोटिस 24 अगस्त को जारी की गई थी, जहां पर हमारा प्रथम सेमेस्टर द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर की डेट शीट का ऐलान था, तो यहाँ पर दोस्तों लेकिन तारीख लिखी थी देखिए 18/9/2021 से लेकर 20/9/2021 तक। तो भैया ये पीएनपी है, ये कुछ भी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे बिल्कुल तंग हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। बहुत से बच्चों ने टिकट करा ली थी, चले मान लेते आप दूर रहते हैं तो भैया आएंगे तो पेपर के समय से ना, कि मान लेते 18 से पेपर हो सकता है, आपने 17 की टिकट ले ली, चलो 18 से पेपर देंगे। अब ये अगर परीक्षा की तारीख बदल दे रहे हैं, ठीक है, पीएनपी को लगता होगा कि बच्चे भैया बिल्कुल निकम्मे हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, बेरोजगार हैं, जब हम पेपर चाहेंगे तब ये आ जाएंगे। ये गलत बात है गाइस, इनको पहले से क्लियर करना चाहिए कि किस डेट में ये पेपर कराएंगे, ठीक है। मतलब इनकी दोस्तों ऐसी सेटिंग होती है कि भैया पेपर भी नहीं करा पा रहे हैं अपनी ही डेट पर, बिल्कुल बच्चों को इन्होंने परेशान करके रख दिया है। और दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर को लेकर देखिए बार बार तारीखें बदली जाती हैं। अभी दोस्तों उम्मीद यही है कि हमारी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 27, 28 और 29 सितंबर को होगी। मतलब बच्चे पीएनपी से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। पहले दोस्तों हो रहा था कि 21, 22 और 23 तारीख को हमारा फोर्थ का पेपर होगा, तो गाइस बार बार तारीखें बदल रही हैं। और आपको बता दें, एग्जामिनेशन फॉर्म दोस्तों चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का 11 सितंबर से भरा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। तो
तो बहुत ही जल्दी हमें एग्जामिनेशन फॉर्म की अपडेट मिल जाएगी। और पीएनपी भैया बच्चों को तो परेशान कर ही रही है, आप देख ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है परेशान करने का कि जो बच्चों का सेंटर है वो दोस्तों दूसरे जिलों में भेज दिया गया। एडमिट कार्ड जारी होगा लेकिन आपका जो सेंटर होगा देखेंगे आप लोग, आपके घर से 50 किलोमीटर दूर चला गया। भले आपका कॉलेज 5 किलोमीटर दूर था, सेंटर हो गया सकता है किसी बच्चे का 100 किलोमीटर दूर चला जाए। तो मतलब बताइए इसमें लापरवाही किसकी है? क्या ये हर एक जिले में एक एक सेंटर भी नहीं बनवा सकते? मतलब सोचिए इनकी गरीबी इतनी आ गई है बच्चों से, मतलब इनको जब तक पैसा ना मिले सेंटर तक नहीं बनवाएंगे। कम से कम बच्चे जहां पर पिछली बार पेपर दिए थे वही पेपर देते हैं। अब बताइए कोई बच्चा 100 किलोमीटर, कोई बच्चा 70 किलोमीटर, कोई बच्चा 80 किलोमीटर कैसे जाएगा पेपर देने? अब उसकी व्यवस्था कौन करेगा? देखिए यहाँ पर इनको है ना कि ठीक है बच्चे अपना देख लेंगे, बिल्कुल इन्होंने बच्चों को परेशान कर रखा है। बच्चे काफी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, बहुत से दोस्तों नामी ऐसे जिले हैं जहां पर सेंटर इस बार नहीं बना। अब बताइए उन बच्चों को कैसे जाएंगे? बहुत से ऐसी लड़कियां हैं, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो नहीं जा सकते, कोई दिक्कत है उनको। तो ये सब दोस्तों पूरा मामला है। तो आपको एक बात और बता दे, ट्रेजरी के डबल लॉकर में रहेगा प्रश्न पत्र। जी हाँ दोस्तों, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बताया कि प्रश्न पत्र एजेंसी से प्राप्त करने के बाद ट्रेजरी के डबल लॉकर में रख दिया जाएगा। प्रश्न पत्र लेने व डबल लॉक में रखने और परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों की होगी। तो गाइस पेपर लीक तो पिछली बार भैया धड़ल्ले से हो रहा था, रोज आपने देखा होगा कि पेपर लीक पेपर लीक। ठीक है, और एक बात और इसको जरा ध्यान दीजिए, परीक्षा में इन बातों का रखना होगा ध्यान। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी अच्छी क्वालिटी में देखा जाए ना कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, परीक्षा केंद्रों में परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले ही अपने रोल नंबर पर जाकर आपको बैठना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार कुछ नया देखने को मिल रहा है, पिछली बार ऐसा नहीं था। अगर आपका पिछली बार पेपर 12 बजे से शुरू होता था तो आप 12 बजे भी जा सकते थे, लेकिन इस बार दोस्तों नियम में थोड़ा बदलाव कर दिया गया क्योंकि आपको पता है वायरल जो पेपर होता था पेपर के शुरू होने के कुछ ही मिनट पहले वायरल होता था, इसलिए इस बार दोस्तों नियम में बदलाव कर दिया गया। तो कम से कम आपको 15 मिनट पहले ठीक है आपको जाकर वहां पर बैठ जाना होगा, आपको अपने रोल नंबर पर, ठीक है, रोल नंबर पर नहीं सीट पर ही जो रोल नंबर अलॉट होगा। और देखिए परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार आपका पेपर जैसे शुरू हो गया तो फिर आपका प्रवेश नहीं हो पाएगा। प्रवेश पत्र के अलावा परीक्षार्थी अपने साथ किताब, नोटबुक, टैब, मोबाइल या अन्य कोई अनुचित साधन सामग्री परीक्षा में नहीं ले जा सकेंगे। सबको पता है गाइस इसमें क्या नया बता रही है पीएनपी। उसके बाद जरा आगे देखते हैं, यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधन के साथ पकड़ा गया तो उसे परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षा समाप्ति तक किसी भी परीक्षार्थी को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो ठीक है, पानी वानी पीना, कुछ भी आपको करना हो ना, प्यास व्यास लगे तो पहले ही 1 घंटे का या 2 घंटे का आपका पेपर होगा तो उस बीच में आप उठ नहीं सकेंगे, इसको जरा ध्यान रखिएगा। उत्तर पुस्तिका का विवरण परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले किया जाएगा। चलिए दोस्तों ये अच्छी बात है, आपको बता दें अगर आपका जो उत्तर पुस्तिका है वो पहले मिल जाएगी तो कम से कम आप लोग अपनी कॉपी को भरकर बैठे रहेंगे, वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, कभी कभी जैसे गणित का हमारा पेपर होता है 1 घंटे का पेपर होता है, अब जैसे घंटी लगती है उसके बाद जब आपकी कॉपी वॉपी बढ़ती तो उसमें समय बर्बाद होता है। ये दोस्तों अच्छी बात है, इसको आप डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि जब आपका 1 घंटा पूरा मिलेगा वो सिर्फ प्रश्न पत्र हल करने के लिए, वो ज्यादा बढ़िया है। देखिए यार ट्रेजरी के डबल लॉक में रहेगा प्रश्न पत्र, ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस बार, जो भी अपडेट आएगी। और देखिए इस बार पेपर आउट होता है कि नहीं वो तो न्यूज़पेपर के माध्यम से या आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से पता ही चल जाने वाला है। ठीक है, तो गाइस कमेंट बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे जहां से आपको अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है। लेकिन आपको एक बात बता दें, अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 9 सितंबर से दोस्तों अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन ये जो प्रवेश पत्र है ना, निजी संस्थान प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद डायट प्राचार्य से मुहर व साइन लगवाने के बाद ही विद्यार्थियों को वितरित करेंगे। तो भैया ये भी काम होगा, ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ डाउनलोड करके सीधे पेपर देने जा सकते हैं। 12 से लेकर 14 सितंबर के बीच होने वाले पहले सेमेस्टर की परीक्षा में तकरीबन 26,000 अभ्यर्थी हैं, जबकि 14 नहीं यहाँ दोस्तों, देखिए न्यूज पेपर वाले भी गलती करते हैं। 15 से लेकर 17, ठीक है, 15, 16, 17 सितंबर के बीच होने वाली द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में तकरीबन 50,000 अभ्यर्थी हैं। गाइस 70,000 से ज्यादा बच्चे फेल थे तो 50,000 अभ्यर्थी कैसे दिख रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, बड़ी बड़ी लापरवाही की जाती है यहाँ पर। क्या बहुत से ऐसे बच्चे तो होंगे नहीं जिन्होंने भैया बैक का फॉर्म नहीं भरा होगा? और सबको पता है कि इस बार अगर आपने बैक क्लियर कर ली तो सीधे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा तृतीय सेमेस्टर में, और आप फिर फोर्थ का पेपर देंगे। तो गाइस ये आपके पास सुनहरा मौका है। तो इस वीडियो में चलिए वीडियो के अंत में कुछ बड़ी बातें करते हैं। पहले पहले दोस्तों बात होगी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर ऑफिशियल डेट शीट के बारे में। तो हमारी प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की ऑफिशियल डेट शीट आ चुकी है,
बात रही दोस्तों तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर की, तो गाइस देखिए यहाँ पर परीक्षा की तारीख में बार बार बदलाव किया जा रहा है, जिससे बच्चे परेशान हो चुके हैं। पीएनपी देखिए दोस्तों बच्चों के साथ ये ठीक नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके हमारे पास फोन मैसेजेस आते हैं कि सर जी हम दूर रहते हैं, अब बताइए बार बार डेट चेंज हो रही, तो जिससे हमारे भैया टिकट कराते हैं, तो कैसे सर जी कैसे मैनेज होगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब पीएनपी को समझना चाहिए कि बच्चे बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो खाली पेपर के लिए बैठे, उनके पास और भी कुछ काम होता है, पढ़ाई भी होती है, तैयारियां भी चलती हैं, सिर्फ वो डीएलएड के भरोसे नहीं बैठे हैं। तो उनको ध्यान देना चाहिए कि भैया एक डेढ़ सीट बना लो, उसी पर पेपर कराओ। चाहे कोई भी दोस्त हो डेढ़ सीट हो, भले उसको आप 2 महीने पहले बता दो कि हम उस डेट पर पेपर कराएंगे, लेकिन परीक्षा के ऐन वक्त पर अगर ये डेढ़ सीट को बदलेंगे तो बच्चे तो यहाँ परेशान होंगे। ये दोस्तों ऑफिशियल देख लिए नोटिस, फिर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले दोस्तों पीएनपी ने खुद कहा था कि हम थर्ड सेमेस्टर का पेपर 18 से लेकर 20 सितंबर तक करा लेंगे, लेकिन अब दोस्तों जो नई अपडेट आ रही है उसके हिसाब से 21, 22 और 23 तारीख को पेपर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा बदलाव है बच्चों के लिए। चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म दोस्तों 11 सितंबर से भराया जा सकता है। तो जो अपडेट आएगी, अपडेट देखिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से अलग अलग अपडेट निकल कर आती है। बीएड प्रवेश काउंसलिंग 17 सितंबर से दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्त, ये मैटर भी हम आपके सामने रखेंगे। और एडमिट कार्ड आपको फ्री में लेना है, प्राइवेट कॉलेजों की अवैध वसूली से बचिए आप लोग, लेकिन योगी जी का राज भैया, कॉलेज वाले खूब लूट रहे हैं बच्चों को। कहीं पर कॉलेज वाले 2-2 हजार रुपए लूट ले रहे हैं, कहीं पर 500-500 रुपए लूट ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनेशन फॉर्म आपका जो था ना बैक वाला, 400 रुपए का था खाली, लेकिन दोस्तों आपसे कितना कितना लूटा गया आपको पता होगा। चाहे आप एक विषय में फेल हो, चाहे आप 2 विषय में फेल हो, चाहे आप सेमेस्टर बैक हो, लेना 400 रुपए चाहिए था, ले कितना लिए, कहीं पर 2 हजार, कहीं पर 3 हजार, जो मन में आया मनमानी कर रहे हैं कॉलेज वाले। तो ये दोस्तों मामला है, सरकार को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि भैया थोड़ा सख्ती दिखाए कॉलेजों के साथ, ताकि वो बच्चों को लूट ना सके। और जो भी दोस्तों अपडेट आएगी, अपडेट आपके सामने रखेंगे। एडमिट कार्ड दोस्तों आज तो आपको हो सकता है कॉलेज से ना मिल पाए, लेकिन बहुत ही जल्द मिल जाएगा, कल तक हो सकता है मिल जाए। देखिए सेंटर दूर गया, इससे बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान है, ठीक है। पीएनपी को इसको भी जरा ध्यान देना चाहिए था भैया, पीएनपी का 1000-10 हजार ज्यादा खर्चा हो जाता, लेकिन बच्चे कम से कम दूर ट्रेवलिंग करने से तो बच जाते हैं। अब बताइए बच्चों को दूसरे जिलों में जाकर पेपर देना पड़ेगा, कैसे जाएंगे, इतनी दूर मैनेज करना पड़ेगा, ये सब देखिए दिक्कतें हैं। तो गलती पीएनपी करे, बच्चे भुगतेंगे, यही बात है दोस्तों, और कुछ नहीं है। बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल दोस्तों तैयारी में आप लोग लग जाइए। देखिए सबसे अच्छी बात होती है तैयारी करने का, जो भी चीज आपको ध्यान में नहीं आ रही, याद नहीं कर पा रहे, तो आप उसको लिख कर याद कर लीजिए। काफी बार आप लोग कुछ पढ़ते हैं, फिर दोस्तों जब आप रिपीट करते हैं, रिविजन करते हैं, तो आपको लगता है वो आप वो भूल चुके हैं, लेकिन अगर आप किसी भी चीज को लिख लिख कर याद करेंगे तो गाइस वो लंबे समय तक आपको वो चीजें याद रहती हैं, ठीक है। तो आजकल क्या हो गया है कि स्मार्टफोन का जमाना मोबाइल का आ गया, तो आप लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर उतना ही जल्दी जल्दी आप भूल जाते हैं। तो लिख कर जब आप समझ कर किसी भी चीज की तैयारी करेंगे तो गाइस वो ज्यादा अच्छे से आपको तैयार रहता है, ठीक है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। बाकी मैथ और इंग्लिश याद रखिएगा, ये 2 विषय, जी हाँ दोस्त, ये 2 विषय आपको फिर से फंसा सकते हैं, गणित और अंग्रेजी। तो जब तक आप लिखित में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। बाकी देखिए बहुत से बच्चे विज्ञान में फेल है, देखिए जिन बच्चों की जिस विषय में बैक लग गई है वही विषय उनके लिए कठिन है। ये मत कहिएगा कि विज्ञान में भाई बहुत से बच्चे कहने, अरे विज्ञान तो आसान है, तुम कैसे फेल हो गए। तो गाइस आप पूरी मेहनत करिएगा, कुछ बच्चे तो हिंदी में भी फेल हो गए, अब किस्मत उनकी खराब कही है, जो भी कहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, फिलहाल जो भी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आएगी, फिलहाल आपका एडमिट कार्ड आज से मिलना शुरू हो सकता है कुछ कॉलेज में, लेकिन सभी में तो नहीं मिल पाएगा, हो सकता है कि डायट में आपको मिल जाए, ठीक है। बाकी दोस्तों तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर डेट सीट में दोस्तों ये बड़ा बदलाव किया गया, बाकी पीएनपी बच्चों के साथ ये ठीक नहीं कर रही, जो सेंटर दूसरे जिलों में भेज दिया गया कि बच्चे परेशान हो, इनको चाहिए था कि 1500 रुपए जो भी दोस्त इनका ज्यादा खर्चा होता, लेकिन बच्चों को सेंटर अगर उन्हीं के जिले में मिल जाता कम से कम वो बच्चे दूर ट्रेवलिंग करने से बच तो जाते, ठीक है। लेकिन वही होता है कि नहीं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, बच्चों को जबरदस्ती दूसरे जिलों में बुलाया जा रहा है, काफी लड़कियां परेशान है इसको लेकर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे और भी जो अपडेट्स आएंगे आपके सामने रखी जाएगी। तो पेपर दोस्तों आसान आपके लिए लगेगा, लेकिन जब आपकी तैयारी होगी, तैयारी कम है तो वही पेपर आपको कठिन लगेगा। बीएड की काउंसलिंग हो रही है, अगर आपके यहाँ किसी को करवाना हो तो बता दीजिएगा, 17 सितंबर से शुरू हो रही है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्त ये खुशी की बात है कि कम से कम हमारा प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर का पेपर होने जा रहा है। और देखिए एक बात याद रखिएगा कि जैसे ही आप परीक्षा पास करेंगे, नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो
तो इस बार दोस्त ये आपके लिए सच में खुशी की बात होगी कि अगर आप परीक्षा पास करेंगे तो आप नई शिक्षक भर्ती के पात्र बन जाएंगे, क्योंकि अभी पिछले देख रहे हैं आप लोग 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आ रही, 19 में नहीं आई, 20 में नहीं आई, अब ये 21वां तीसरा साल दोस्तों हमारा चल रहा है, तो इस बार वैकेंसी आ सकती है। आ सकती है क्या दोस्तों? चुनाव से पहले वैकेंसी आएगी ही, नहीं तो भाई सरकार क्या जवाब देगी? भाई चुनाव में उतरेंगे ना तो बताएंगे ना कि हम इस वैकेंसी को ले आए। तकरीबन 15 से 20 लाख बच्चे बेरोजगार बैठे हैं डीएलएड और बीएड के मिला के, तो वैकेंसी तो इनको लाना ही होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। मन लगाकर पढ़ाई करिए, ठीक है? एक बात और आपको बता दें, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिएगा। जब आप टेंशन लेते हैं ना तो फिर आपकी तैयारी थोड़ी सी अधूरी हो जाती, कम हो जाती। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।